14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2011 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक सार्वजनिक न्यायिका है जो भारत सरकार के अधीन आता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता हो। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य पेशेवर योग्य और ऊर्जावान प्रबंधकों एवं रेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना है जिसके पास ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं की नीति निर्धारण व्यक्ति प्रबंध एवं क्रियाओं की विशेषता हो। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के आवश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करना है ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। ऊर्जा संरक्षण की योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हर इंसान को अपने व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण को शामिल करना चाहिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उद्देश्य। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल एक विशेष विषय के साथ कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोगों के बीच अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मनाया जाता है। यहाँ लोगों के बीच जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश भेजने के लिए मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में बहुत से कार्यक्रम जैसे विचार सम्मेलनों वाद विवाद कार्यशालाओं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। अत्यधिक और फालतू ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर ऊर्जा की खपत में कमी और कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कैसे मनाया जाता है? पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को और प्रभावशाली और विशेष बनाने के लिए सरकार द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा लोगों के बीच में बहुत सी ऊर्जा संरक्षण दिवस पर स्कूल राज्य क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने वाले छात्र को 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाता है। KTSM News की रिपोर्ट।